हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं ओनली ट्रेडिंग ऑप्शंस। तो पहले थर्सडे थर्सडे को बताइए फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं फिन निफ्टी की, फिन निफ्टी में क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है और क्या नहीं। तो चलते हैं फिन निफ्टी की चार्ट पर। तो फिन निफ्टी जो है वो काफी साइडवेज रहा है। सबसे पहले हमें क्या करते हैं, जोन बना लेते हैं। तो ये जोन है, जोन का अपर जोन जो है वो जो है 20,470 रुपीज, और जो नीचे का जोन है वो है 20,327 रुपीज का। तो एक काम, आप एक काम कर सकते हैं कि मार्केट इस जोन के नीचे पुल बैक पर आप पुट साइड लेंगे और मार्केट गैप ओपन होता है तो आप 20,470 के ऊपर लॉन्ग जा सकते हैं। ये तो भी फिन निफ्टी की बात। तो हम चलते हैं अब बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी में भी क्या हुआ, एक मार्केट कैप होने के बाद नीचे आया, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया है, रिटेस्ट किया 9 EMA पर। तो जैसे ही बैंक निफ्टी इस मतलब 45,645 रुपीज के ऊपर जाता है, आप यहाँ से लॉन्ग जा सकते हैं या फिर आप ऐसे भी ट्रेड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से तो कल फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के आप ओपन होंगे तो आप रिटेस्ट पर एंट्री बना सकते हैं। तो आप हमारे पास जो पहला इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो रहेगा 45,655 रुपीज का। तो ये रहा हमारा पहला टारगेट। दूसरा टारगेट जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा 45,355 रुपीज का। नेक्स्ट सपोर्ट है 45,204 रुपीज का। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट है 44,890 रुपीज का। और ऊपर के सपोर्ट रेजिस्टेंस जानने के लिए हम जाते हैं आवरली टाइम फ्रेम पर। तो नेक्स्ट सपोर्ट जो हमारे पास है वो है 46,147 रुपीज। नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 46,595 रुपीज का। तो हम चल रहे हैं अपने निफ्टी की ओर। निफ्टी के इंपोर्टेंट लेवल जो है वो है 1st रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 21,856। नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो रहेगा वो है 22,055 का। हमारे पास जो सपोर्ट है वो है 21,583 रुपीज का। तो हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। और 1 तारीख को बजट भी है, तो बजट के कारण प्रीमियम में काफी ज्यादा लिक्विडिटी रहेगी, तो उस तरह से आप अपनी पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं। तो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले कुछ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।